ऑनलाइन टोकन से होंगे गणपति के दर्शन। पूर्वी दिल्ली लक्ष्मीनगर बैंक एन्क्लेव में स्थित मिनी स्टेडियम में गणपति पूजा का आयोजन पिछले लगभग 20 साल से किया जाता है, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं इस साल कोरोना के चलते संस्थापक ने कोरोना को देखते हुए सतर्कता बरतते हुए कई कड़े कदम उठाए हैं। बड़े स्टेडियम की जगह स्कूल के अंदर इस कार्यक्रम को करने का फैसला लिया गया है। मिनी स्टेडियम में गणपति जी को 11 दिन के लिए स्थापित किया जाता था। वहां 11 दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। पूर्वी दिल्ली के लवली पब्लिक स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में किसी भी श्रद्धालु की एंट्री नहीं की गई। इसमें सिर्फ संस्था के लोग हैं। गणपति जी को स्थापित करने के लिए जहां पहले गणपति जी को 11 दिन के लिए स्थापित किया जाता था, वहीं अब कोरोना काल को देखते हुए केवल 4 दिन के लिए ही स्थापित किया गया है। 4 दिन बाद यही पर गणपति जी का विसर्जन किया जाएगा। एक बड़े सेटअप में गणपति जी का विसर्जन किया जाएगा। वहीं अगले 3 दिन श्रद्धालुओं के लिए गणपति जी के दर्शन के लिए खोला जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए कड़े कदम उठाए गए हैं। एक ऐप के जरिए श्रद्धालु टोकन लेंगे और गणपति जी के दर्शन करने पहुंचेंगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक एप्लीकेशन ऐप बनाया गया है। संस्थापक ने बताया कि उन्होंने दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था की है, जिसमें कि एक टोकन पर 6 लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। टोकन को गेट पर स्कैन कर एंट्री मिलेगी। वहीं 100 लोगों के अंदर होने पर टोकन की स्कैनिंग बंद हो जाएगी। फिर जब वह 100 लोग अंदर से बाहर निकल जाएंगे, तब बाकी लोगों की एंट्री की जाएगी। इस ऐप का इस्तेमाल आगे आने वाले नवरात्रों में भी किया जाएगा। सर देखिए, पहली बात तो ये इतना बड़ा उत्सव होता था जो हम बहुत सूक्ष्म रूप से मना रहे हैं। जो लोग इनवाइटेड हैं, हमने यहाँ पे एक टोकन एप्लीकेशन यूज़ किया है और एडवांस में लोगों को मैसेज भेज दिया कि आप टोकन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप पहले से टोकन लेके यहाँ एंट्री कीजिए। इस एप्लीकेशन के थ्रू वो अपना एक नंबर जनरेट हो जाता है और वो यहाँ पे एंट्री के टाइम पे अपना टोकन दिखाते हैं कि हमने ये टोकन लिया हुआ है। एक टोकन में हम मैक्सिमम 6 लोगों को अलाउ कर रहे हैं और हमने यहाँ एक लिमिट लगा रखी है कि अगर भीड़ 100 के ऊपर होने लग जाती है अंदर, तो हम एंट्री गेट पे ही यहाँ पे टोकन स्टॉप कर देंगे और लोग नहीं आएंगे। कि टोकन स्टॉप आप कर देंगे, अपने आप हो जाएगा? नहीं, टोकन स्टॉप हम जब यहाँ पे टोकन में एप्लीकेशन में जैसे ही वो नंबर 100 होता है, वो टोकन स्टॉप हो जाता है। फिर जब लोग बाहर निकल जाएंगे, भीड़ हट जाएगी, तो फिर वापस से दोबारा टोकन जनरेशन होने लगता है। अच्छा, एक बात और बताइए, मान लो कोई मोबाइल नहीं लाता है तो वो उसके लिए कैसे होगा? जी, अगर कोई मोबाइल नहीं लाता है तो हमारे पास यहाँ जो एप्लीकेशन होता है वॉलंटियर के पास, वॉलंटियर उनका मैनुअली उनको जनरेट कर सकता है और वो SMS भी भेज सकता है या उनको टोकन नंबर बताएगा। जो वो टोकन नंबर उनको बताएगा एंट्री पे, वो जब वो अपना टोकन बताएंगे तो हमारे वॉलंटियर जब ऐप खोलते हैं तो नंबर आ जाता है और वहाँ पे आ जाता है कि कितने लोगों का टोकन है, 2 लोगों का, 4 लोगों का, और वो उनको उसी हिसाब से गिनती करके एंट्री दे देता है। तो ऐसी जरूरी नहीं कि आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, लेकिन हाँ, डेफिनेटली अंदर जाने के लिए आपके पास टोकन होना चाहिए। मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली रजिस्टर्ड। यह हमारा 20वां साल है गणेश उत्सव का। 18 वर्षों तक लगातार 11 दिन का उत्सव DDA मिनी स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड में होते आया है। 11 दिन तक कम से कम 1,00,000 से ज़्यादा लोग इसमें दर्शन करने आते हैं और गणेश सेवा मंडल हमेशा नेचर के साथ में इको फ्रेंडली गणपति यहाँ पे विसर्जन यहीं करना, प्रकृति के साथ में कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है। पिछले वर्ष कोरोना काल में भी इस संस्था ने 3 दिन का गणेश उत्सव इसी प्रेमिसेस में मनाया, लवली पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे भी इस बार भी 4 दिन का होगा। पिछली बार भी कोरोना की वजह से 4 दिन का ही हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे मेंबर लोग हैं, आम पब्लिक नहीं है यहाँ पे। और आम पब्लिक जो भी हमारी 1,00,000 पब्लिक जो देख रही है फेसबुक ऑन लाइव से, उनके दर्शन और प्रोग्राम वो ऑनलाइन देखेगी, उनको यहाँ पे हमने इजाज़त नहीं दी है क्योंकि पब्लिक के वजह से हमारे को ऑनलाइन दर्शन का करना पड़ा कोरोना के वजह से। तो 4 दिन आप यहाँ, आज स्थापना हुई है मूर्ति की, तो जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन यहाँ पर क्या प्रोग्राम होगा? विसर्जन सोमवार को होगा जी। उस दिन सोमवार को सुबह 10:30 बजे आरती होगी रोज की तरह। उसके बाद सत्यनारायण की कथा होगी, हवन होगा, भगवान को 56 भोग लगेगा और सूक्ष्म हमारे मेंबर्स के लिए यहाँ पे भंडारा होगा। और 3 बजे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी जगह टब के अंदर हम गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। और विसर्जन जो हमारी छोटी प्रतिमा, हमारी बड़ी प्रतिमा जो है वो परमानेंट है। छोटी प्रतिमा हमारी मूर्ति जो है इको फ्रेंडली है, वो मिट्टी की है। और यहाँ पे हम हमेशा ही गणेश सेवा मंडल यमुना में विसर्जन कभी भी नहीं किया है, हमेशा टब में करता है ताकि हमारी यमुना माँ उसमें गंदी ना हो, स्वच्छ रहे और रोडों पे ट्रैफिक जमा ना हो, एम्बुलेंस को रास्ता मिले। इसीलिए हमने जितने भी दिल्ली के मंडल है इनको भी सबको आह्वान किया है कि आपका भी विसर्जन आप इसी पंडाल में ला के करिए। अच्छा, पहले गणेश जी 11 दिन तक घर में स्थापित रहते थे, इस बार ये 4 दिन ही रहे? इस बार हाँ जी, यहाँ पे तो 4 दिन का ही कर रही। वो वजह यह है कि कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, गणेश सेवा मंडल उनका सम्मान करता है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आम पब्लिक की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचे, इसीलिए ऑनलाइन लोगों को दर्शन और आरती प्रोग्राम का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। अगले वर्ष अगर गणेश भगवान जी कृपा करेंगे तो फिर
फिर 11 दिन का होगा जी, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जो हमारी संस्कृति पे टिका हुआ है। और आज हम गणपति को मनाने का विशेष कारण भी यही है कि कोरोना से पूरे विश्व को निदान मिले, विश्व में सुख शांति कायम हो और विश्व का हर इंसान, हर पशु पक्षी सब लोग शांति से रहे। ये शांति के प्रतीक के लिए हम गणेश जी को मना रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।